यहाँ मैया सम्मान नहीं चाहिए, भैया और सैया का सम्मान चाहिए, तभी हमारा सम्मान बचा रहेगा। आज ये मैया सम्मान और गोगो दीदी योजना आ रहा है, ये जो योजना आ रहा है सिर्फ जयराम दा का डर है, और जयराम दा का एक ही उद्देश्य है कि हम यहाँ किसी को न घर देंगे, न नल देंगे, न पानी देंगे, न रोड देंगे, हम और सिर्फ अधिकार देंगे। कि पहले झारखंड सरकार निकल रहा है मैया सम्मान योजना 1000, ओकर कंपटीशन में केंद्र सरकार निकाल दे गोगो दीदी योजना 2100, अब फिर कंपटीशन में आए गए मैया सम्मान योजना 2500। तो हमी के बस इतने की बताना है आदमी के कि ठीक हो तरह 2500 दे देना, हमारे पार्टी से यदि तरह 3000 दे दो तो तर विकास भजी तो जी भाई। जिस मोड़ में जी भाई विपक्ष के सामना बहुत टक्कर मिलते और उस सब टक्कर के चलते हमी कहीं ना कहीं डेमोलाइज भाई के बहुत मन छोट कर लेते, और हमने मन छोट कर हमने मन में बुलंद हौसला लेके उस आदमी तक पहुंचे के जो हमने वोट देते, हमने वोट वही आदमी देते जे सरकार के जे आज 24 साल से दबल कुचल जे मैंने ओकर कोनो लाभ नहीं लिया पड़े सरकार के। सरकार योजना तो बहुत निकलो है लेकिन उस योजना के कोनो सफलता ना है, और उस सब आदमी एक विकल्प खोजो है और विकल्प अखन जयराम दा दे दे, और उस विकल्प के हमने के उस जन जन तक पहुंचाना है, और उस जन जन तक तभी पहुंचते कि हमने जिस जगह पे है जहाँ पे है हमने के अगर संकल्प लिए खत है कि हमने आज के बाद से हमने तो चूंकि जब से जुड़े ले तब से जहाँ बैठे जहाँ उठे जहाँ चर्चा बेते सिर्फ और सिर्फ पार्टी के चर्चा बेते सपंदा के चर्चा बेते कैची छप के चर्चा बेते जहाँ हमने चर्चा करवे। और हमें अपन पर्सनल व्यू बतवाइयो जेका हमने फीलिंग करा लिए, चूंकि हमें देखा ली कि हमने जहाँ तक जाए आदमी हमने पर बहुत जगह ऐसा हुआ कार्यकर्ता पर हावी हो जाए, हमने के हावी हवा देखना है, हमने के एक बात पूछे थे कि ठीक हो 24 साल से हमने वोट दिलिये ऐसा बात थोड़ी नहीं दिलिये, हमने के विधानसभा इस बार विकल्प मिलल है एकर से पहले विकल्प ना हमने के में, तो हमने कोना ना कोना पार्टी में वोट दिली आज तक दिले की सभी ने खन हमने खन चुनौती आल है कि पहले झारखंड सरकार निकल रहा है मैया सम्मान योजना 1000, ओकर कंपटीशन में केंद्र सरकार निकाल दे गोगो दीदी योजना 2100, अब फिर कंपटीशन में आए गए मैया सम्मान योजना 2500। तो हमने के बस इतने की बताना है आदमी के कि ठीक हो तरह 2500 दे देना, हमारे पार्टी से यदि तरह 3000 दे दो तो तर विकास भजी तो हमने के चीज का समझे के आदमी के कि 2500 3000 या 5000 10000 तक में हमने विकास नहीं बेतो कहे न बेतो कि यदि हमने 3000 दे तो महंगाई आसमान छू ले लू, 50 टका किलो चावल हो 200 टका किलो तेल हो गलो, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई के एकदम स्थिति खराब हो तो अठिन पैसा आते तब ना फिर प्राइवेट स्कूल में देवी, सरकारी स्कूल के स्थिति एकदम चरमराई गलो, हॉस्पिटल के खर्चा ले ले टैबलेट एक जदि बुखार के टैबलेट लेबे तो 20 टका तो ते कहां से आनबे। आदमी के सिर्फ हमने की ये चीज बताना है कि हमने के विकास करे के ना कि बस जीवन जैसे कुत्ता बिल्ली जानवर जियो है सभी पेट भर, तो हमने के सरकार अखन बस कुत्ता बिल्ली जानवर बनाए दे पेट भर घर रहो विकास के बारे में ना सोच, हमने सबके एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमने विकास चाहिए भीख ना चाहिए, मैया सम्मान योजना दे चाहे गोगो दीदी योजना दे सिर्फ हमने भीख दे अधिकार नहीं दे, हमने के बस इस बार अधिकार चाहिए, हमने हर क्षेत्र में अपन परचम लड़बे, झारखंड में कहीं ऐसा कोई महिला ना है, एखन हमने देखा अभी तिरकी दीदी के जो मैंने वंदे भारत ट्रेंड चलू वो आदिवासी महिला ले एक 27 साल के लड़की ले, तो अगर में टैलेंट है अगर मौका मिले तो परचम लड़ रही, तो हर झारखंडी में टैलेंट है, टैलेंट यदि ना है तो बाहर जाके हमने कैसे विकास करे, आज गुजरात में जाके देख झारखंड के आदमी, बाहर जाके देख दिल्ली में जाके देख झारखंड के आदमी, अपन अपन परचम ले रहे लेकिन दुर्भाग्य की हमें अपन राज्य के विकास नहीं कर पा रहे, सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की झारखण्ड में कोनो भी खनिज संपदा के कमी नहीं है, झारखण्ड यदि हमने देखे प्राकृतिक दृष्टि से तो झारखण्ड में मैंने कहते रहे सोना के चिड़िया सोने के खान, हमने सोने के खान में बैठ के हमने जिंदगी गुलगुलिया जैसा, क्यों भैया गुलगुलिया हमने जिंदगी जब हमने राजघराना में पैदा बेलिए, झारखंड एगो राजघराना लाए जब हम राजघराना में पैदा बेलिए तो राजघराना जैसा हमने जिंदगी कहे नहीं, हमने शाही जिंदगी कहे नहीं, हमने कोकरो विरोध नहीं करे, एक चीज हमने याद रखनी दीदी जब भी कोनो बात बच कभी कोकरो विरोधी नहीं, कहे कि बाहरी भीतरी विपक्ष वाला बहुत ज्यादा हमने पर हावी कर दिले तो हमने मुंह से ये शब्द ना निकले चाहिए कि बाहरी भीतरी हमने कोकरो से कोई मतलब नहीं, भैया हमार घर हमार लाए तो घर में घर के हमार अधिकार हमार होना चाहिए, तो आओ तो मेहमान लगे तो स्वागत करे तो राव भगत करवो, लेकिन घर के मालिक हम लगे तो मालिकाना हक हमारे पास होना चाहिए, झारखंड में किया था डिसीजन हमारे भेते, झारखंड में नेता बहुत है बाहर से हम नेता स्वीकार नहीं करवो,
सही खातिर हमनी के बस मुंह में एक चर्चा होना चाहिए, झारखंड मेरा है, झारखंड में अधिकार मेरा और इसका राज भी मेरा होगा, शासक हम ही है, जनता भी हम ही रहेंगे, हम दूसरे को यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे, हम जनता रहेंगे, शासक दूसरे को बनाएंगे, राजा दूसरा नहीं ना बनाएंगे हम अपने। देखिए लोकतंत्र में क्या है, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन, तो मेरा पब्लिक है तो मेरा ही सत्ता होना चाहिए, दूसरे का सत्ता हम क्यों स्वीकार करेंगे, हमको दूसरे का सत्ता स्वीकार नहीं करना है। और इस चीज को इतना ज्यादा फैलाना है कि हर आदमी को समझ में आए, हर आदमी को यह चीज लगना चाहिए कि नहीं हमारा हक और अधिकार कोई दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जेएलकेएम पार्टी ही दे सकता है, हमें यहाँ किसी का चेहरा नहीं बताना है, हमें सिर्फ पार्टी का उद्देश्य बताना है, हम लोग जयराम दा का उद्देश्य से जुड़े हैं और जयराम दा का एक ही उद्देश्य है कि हम यहाँ किसी को ना घर देंगे, ना नल देंगे, ना पानी देंगे, ना रोड देंगे, हम और सिर्फ अधिकार देंगे। जब हमारे पास अधिकार होगा, जब हम खुद अपने घर का मालिक होंगे तो दूसरे से हम चाबी लेने थोड़ी जाएंगे, मेरा घर में सब चीज है तो फिर हम दूसरे से चाबी लेने तो नहीं जाएंगे, जब हमको अधिकार मिलेगा तो निश्चित रूप से मेरा विकास होगा, हम अपने बच्चों का विकास करेंगे। आज हर जगह देखिए, हर सीट में, हर वैकेंसी में सब जगह केस है, या तो उसको विड्रॉ कर दिया गया या तो यदि वैकेंसी बहाली हुआ तो 80% बाहरी स्टूडेंट है। हम खुद 2 बार सीजीएल फेस किए हैं, दोनों बार देखिए अभी तक केस चल रहा, लटक गए हैं, लेकिन क्या हमारा उम्र यूं बरकरार है? नहीं है, हमारा उम्र दबते जा रहा है, हम और कंपटीशन के लायक नहीं बच रहे हैं, तो हमारा आने वाला जनरेशन कहां जाएगा? तो इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ जेएलकेएम को ही जिताना है, और इसी उद्देश्य के साथ मैं सभी से यही आग्रह करूंगी और सबसे ज्यादा महिलाओं से, क्योंकि घर की स्थिति महिला से ज्यादा दर्द कोई नहीं झेलता है, महिला को ही पता चलता है कि मेरे बच्चे में किस तरह से परेशानी झेल रही है, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या तो रहन सहन। मेरा बच्चा बोलता है मम्मी हमको बढ़िया बढ़िया कपड़ा दो, जूता दो, नहीं दिला पाते, इनकम नहीं है ना, 1,000-2,000 में लाश के दे सकते हैं क्या? महिलाओं को यही चीज बताना है कि आपका बच्चा यदि फरमाइश करे कि मम्मी हमको कुछ अच्छा खाने के लिए दे दीजिए, अभी एक बर्गर पिज्जा ऑर्डर कीजिएगा तो 250-300 का लगेगा, लगता है ना, और बच्चा आजकल फास्ट फूड पर ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो क्या 2,500-3,000 आपको मिलेगा तो आप खिला लीजिएगा अपने बच्चे को, अपना बच्चा का शौक पूरा कर लीजिएगा? नहीं कीजिएगा, तो उसको कैसे कीजिएगा जब आपको अधिकार मिलेगा? यहाँ मैया सम्मान नहीं चाहिए, भैया और सैया का सम्मान चाहिए, तभी हमारा सम्मान बचा रहेगा। जब मेरा पति और मेरा भाई यदि सम्मानित रहेगा, उसके पास रोजगार रहेगा, तो हमें रोजगार खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा और हमें किसी से भीख लेने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आज मेरा पति यदि 70,000 कमाएगा तो हमको क्या जरूरत है 2,500 के लिए लाइन लगने के लिए जरूरत है क्या? तो बस महिलाओं को यही जागरूक करना है, महिला ज्यादातर जागरूक हो चुकी है इस पार्टी का, और इसी का जो है परिणाम आज ये मैया सम्मान और गोगो दीदी योजना आ रहा है। ये जो योजना आ रहा है सिर्फ जयराम दा का डर है, और यही डर लोगों को बताना है कि अभी सरकार आया नहीं है, सिर्फ लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट देखा गया, विजेता घोषित नहीं हुए, लेकिन लोगों का समर्थन देख के आज उनको हराने के लिए हमें लाभ लोभ दिया जा रहा है। ये लोभ से हमको बचना है, ये लोभन हमको नहीं चाहिए। 24 साल तक आप कहाँ थे, कहाँ विकास किए? जब झारखंड अलग हुआ तो उद्देश्य क्या था, नीति क्या था कि झारखंडियों का विकास होगा? आज झारखंडिया फिर वही के वही है, बाहरियों का ही शासन है, तो ये शासन कब तक चलेगा? अब हम लोग को जागना है और जगाना भी है और जन जन तक ये मैसेज फैलाना है। इसलिए मैं सभी दीदी और भाइयों से आग्रह करूंगी कि अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप मतलब सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, सिर्फ पार्टी को और जयराम दा को ही वायरल करें और लोगों तक यही संदेश पहुंचाएं कि हमको सिर्फ और सिर्फ झारखंड में जेलकम पार्टी चाहिए, माटी का पार्टी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इतना ही करके धन्यवाद।